हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्टलाइन में। तो दोस्तों आईपीएल का बाकी मैचेस जो कि यूएई में होने वाला है, तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आईपीएल का बाकी मैचेस जो कि यूएई में होने वाला है उनमें बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इनके बोर्ड पहले ही मना कर दिया कि आईपीएल का बाकी मैचेस में उनके खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स का आज हम बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाड़ी के बिना बेस्ट प्लेइंग 11 बनाएंगे जो कि किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा सकती है यूएई में। तो दोस्तों इसी पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबरें लाते रहते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ी और भी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले राजस्थान की ओपनिंग की बात करें तो वहाँ पर नजर आएंगे मनन बोहरा और यशस्वी जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, मनन बोहरा जो एक बेहतरीन खिलाड़ी है और यशस्वी जायसवाल जो कि उभरता हुआ सितारा है, अगर यह दोनों अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राजस्थान के लिए कई मैच जितवा सकते हैं। वहीं दोस्तों मिडिल ऑर्डर में बात की तो वहाँ पर नजर आएंगे हमें संजू सैमसन, वांडर रूसे और डेविड मिलर। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन जो कि कप्तान है राजस्थान रॉयल्स को, वहीं दोस्तों वांडर रूसे जो कि साउथ अफ्रीका एक बेहतरीन खिलाड़ी है वो अभी धमाल मचा सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। वहीं दोस्तों डेविड मिलर जो कि कई मैच राजस्थान रॉयल्स के लिए जितवा चुके हैं। तो दोस्तों मिडिल ऑर्डर बेहतरीन दिख रही है राजस्थान रॉयल्स को। वहीं दोस्तों लोअर ऑर्डर में बात करें तो वहाँ पर नजर आएंगे रियान पराग, राहुल तेवतिया और क्रिस मॉरिस। जी हाँ दोस्तों, यह तीनों खिलाड़ी बेहतरीन है और किसी भी टीम का धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रिस मॉरिस जो कि पहले पार्ट में तो शानदार प्रदर्शन किए थे और दूसरे पार्ट में भी राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट को उम्मीद है क्रिस मॉरिस से। वहीं दोस्तों टैलेंटर में बात करें तो वहां पर नजर आएंगे हमें चेतन सकारिया, कार्तिक त्यागी और एंड्रयू टाइट। जी हां दोस्तों, चेतन सकारिया और कार्तिक त्यागी जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है जो कि उभरते हुए सितारे हैं। वहीं दोस्तों एंड्रयू टाइट एक शानदार गेंदबाज है। तो दोस्तों तीनों कॉम्बिनेशन शानदार बन रहा है जो कि यूएई में धमाल मचाते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये है राजस्थान रॉयल्स का बेस्ट प्लेइंग 11 यूएई के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा प्लेइंग 11 के साथ उतरेगे यूएई में राजस्थान रॉयल्स, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों ये खबर अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।